हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे G20 के डेलीगेट्स, दे अराइव इन श्रीनगर अमिड टाइट सिक्योरिटी एंड द वेलकम दैट दे आर गेटिंग इन श्रीनगर। तो बहुत ही, मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे जिस टाइट सिक्योरिटी में उनको लेके आए हैं। बहुत टाइट अरेंजमेंट किया हुआ है, फूल प्रूफ जैसे कहते हैं ना उस टाइप का, टू मेक श्योर कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो। बिल्कुल। और इसका जुम्मेवार कौन है? ये पाकिस्तान, वो बिलावल भुट्टो। हाँ, और बिलावल भुट्टो स्पेशली पीओके गया हुआ है इस G20 के लिए। हर जगह पे यही न्यूज आ रही है कि वो स्पेशली इसी वजह से गया है कि वहां से वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई हरकत करे ताकि इस G20 पे असर पड़ सके, कोई नेगेटिव। बिल्कुल। तो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये दूसरी कहीं और जगह का रास्ते का दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस टाइप की चीज भी है। यहाँ पे लोग खड़े हैं देखने के लिए, देखा है, खड़े होके देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ियां कौन सी जा रही हैं। मुझे लग रहा था कि अलाउ ही नहीं होगा। एक्साइटमेंट होती है कि लोग आ रहे हैं, तो खड़े हैं, इस साइड भी खड़े हैं और सारा कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे। हाँ, पूरा रास्ता उन्होंने अच्छा किया होगा। पुलिस की भी रखी हुई, सिक्योरिटी भी है उनके रस्तों पे। इन्फॉर्म करूं कि यहाँ से निकल गए, अब तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है उनका। कितनी सारी सिक्योरिटी, देखो टाइट बोलो। हाँ, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, तो पोलो वाला, पोलो मार्केट, पोलो मार्केट में भी कितनी टाइट सिक्योरिटी। वो यहाँ आएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि ये खास टूरिस्ट के लिए स्पॉट्स थे ना, कश्मीर, कश्मीना शॉल और वो सब। यही तो हमने रात को नहीं देखा था जहाँ पे G20 सारा बना हुआ, वो लाइट वाला। हाँ, वही है रिवर वॉक वाला एरिया। वाह, देखो कैसे जोर जोर से जा रहे हैं, पूरा रिवर वॉक वाला एरिया। गाड़ी में तो नजर आएगा ये एरिया थोड़ा, ये देखो ये पहचाना तो जा रहा है। मैंने देखते पहचान लिया था दीवारों से, रिवर वॉक वाला एरिया। मैंने ये दीवार पे G20 से पहचाना। स्पीड से जाते हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत तेजी से जाते हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, तेजी से निकलते हैं। ओए होए, सुंदर फाउंटेन भी बनाया हुआ है, तो जानते ये भी अभी बना होगा। अमेजिंग, ओए होए, ये भी था उसी डोर तो नहीं दिखाया, इसी होटल में आ गया था। तो कह रहे बजाओ, आ गए हो तो बजाएंगे ना। अरे वाह, इन लोगों को भी ऐसी ड्रेसेस पहनवा के अगर दे इंटरेस्टेड तो फोटोज खिंचवानी चाहिए। लेडीज भी, लेडीज भी, जेंट्स भी कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, सारा पूरा अपना कल्चर दिखा रहे हैं। तो ब्यूटी है भाई अपने इंडिया की, इकॉनमी आगे आती है, देखिए सबको टूरिज्म दिखाना है भाई। और फिर ये जो आएंगे, यही तो सारी कंट्री, हर कंट्री के टूरिस्ट, टूरिज्म के मिनिस्टर्स हैं, तो बोलेंगे कि जाओ वहाँ पे, जाना चाहिए, इतना सुंदर है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गए जिनको G20 के लिए बुलाया। हमारे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। हाँ, तो
या कितना मजेदार था। इसमें हमने एक और वीडियो की है, उसमें डिफरेंट एंगल डिफरेंट एरिया से गाड़ी जाते हुए दिखी थी। इस बारी मेन ये वाला मेरे ख्याल से जब वो मेन जब पहुंचने वाले हैं जहां उनका स्टे होने वाला है वो उस एरिया के पास का उन्होंने दिखाया है कि जब ये सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं पूरा रिवर वॉक के वहां से निकले थे, वहीं से निकले हैं ये जी। मतलब उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया रास्ता, और एक जगह फाउंटेन भी नजर आया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्रिज के बीच में जो जगह होती है उसके वहां पे फाउंटेन बनाया हुआ। पूरी रोड में पुलिस वाले हैं, वो बता रहे हैं यहाँ से निकल गए, सारी गाड़ियां जा रही हैं, इट्स अमेजिंग। कितना और लास्ट में जो सीन दिखाया, एक तो पहले होटल का सीन था वहाँ पे जितने भी वो सब कार्यक्रम हो रहा है, इवेंट हो रहा है सिंगिंग विंगिंग का, दैट्स ग्रेट। मतलब सब कुछ ब्रांड न्यू नजर आ रहा है। और लास्ट में दिखाया था सबको पगड़ी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होता होगा, बस हैंड शेक करो, अपने रूम्स में जाओ, मीटिंग के लिए रेडी हो, और जब मीटिंग होगी मीटिंग करो और फिर प्लेन में बैठो और वापस अपने देश चले जाओ। यहाँ पे वाकई टूरिज्म का पूरा फेस्टिवल दिखा रहे हैं। आप जैसे ही इंडिया प्लेन से उतरते हो वहीं से शुरू हो रहा है आपके लिए एक्साइटमेंट और एडवेंचर एवरी मिनट। देखो कितना सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ था, और वहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो पूरा म्यूजिक करके कर रहे हैं, पूरा कश्मीर का कल्चर दिखा रहे हैं। इनको खाने भी ट्राई कराने चाहिए, कश्मीर की जो चाय होती है कश्मीरी चाय वो पिलानी चाहिए, वो तो इतनी फेमस है यार। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो पापा के कोई जूनियर थे एयरफोर्स में, वो कश्मीर के थे हस्बैंड वाइफ, उनकी नई नई शादी भी हुई थी, तो वो पापा को उन्होंने इन्वाइट किया था अपने घर में, तो मैं छोटी थी मैं भी गई थी साथ में, तो उन्होंने प्रॉपर नीचे बिठा कर उनकी जो वाइफ थी, वैसे वो जो लंबे लंबे पहनते हैं ना कानों में, वो पहनी हुई थी, इतनी सुंदर थी वो, इतनी प्यारी, और इतनी वो मुझे अभी तक उनकी शक्ल दोनों हस्बैंड वाइफ की याद है। और उन्होंने पापा मम्मी को वो चाय पिलाई थी, और मम्मी तो इतनी हो गई थी कि इतनी स्वाद चाय थी, इतनी स्वाद, मुझे अभी तक याद है जबकि मैं बहुत छोटी थी, सो आई स्टिल रिमेंबर देम। दो फैमिलीज थी जो कश्मीर की थी, एक ये और एक और थे जो कश्मीर के थे, उनका एक बेटा भी था, और उन जो वो अंकल थे उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी, मैंने उनसे स्विमिंग सीखी थी, उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे एक दिन में स्विमिंग सिखा दी थी, कि उन्होंने बस ऐसे मेरे को पकड़ा और कहा ऐसे हाथ मारना है, थोड़ी देर तक वो किया फिर छोड़ दिया, कहते लो यू आर डूइंग इट, बस उन्हीं की कमी रहेगी मेरी लाइफ में इसलिए मेरे को नहीं आई। तो ये सब देख के मुझे याद आ स्विमिंग की बात कर रहा हूं। मैंने तो उन्हीं से सीखी थी, एक दिन में सीख ली थी, इतना कमाल था। मेरा भाई जो है ना वो इतना हैरान, यार तूने कैसे सीख ली, मैंने कहा मुझे उन्होंने सिखाई है, तू भी उन्हीं से बोल, वो सिखा देंगे, अंकल सिखा देंगे। उनका बेटे को नहीं आई, वो कहता मैंने सीखनी नहीं है, वो कहते हमारा बेटा वो छोटा था हमसे, तो वो कहते बेटा तो सीख नहीं रहा, तुम ही सीख लो भाई। तो बड़ा मजेदार था, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। ऐसा मतलब दिखा रहे पूरे वर्ल्ड को कि देखो कश्मीर इज अ प्लेस टू कम, इट इज हेवन ऑन अर्थ। उन्होंने बोला भी था कि जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं उनको बुलाया था कि आओ इस जगह को देखो, यहाँ मूवीज बनाओ, इंटरनेशनल मूवीज बनाओ, हॉलीवुड की मूवीज अब यहाँ बनेंगी यार। बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी लग रही है, और देखिए जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत खुशी मिल रही होगी कि कैसे श्रीनगर हाईलाइट हो रहा है, जगह जगह उनका कल्चर नजर आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी नजर आ रही है, सारे लोकल लोग बहुत ही खुश होंगे। मैं तो कहती हूँ सबको जो है मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि देखो 370 हटाने के बाद, उसके बाद खाली 370 नहीं हटाया, उसके बाद प्रोग्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, कमाल है यार। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।